लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि वो तो राजकुमार सैनी लड़ेंगे, वो पार्टी में नहीं है। गठबंधन को समर्थन दिया, गठबंधन तो पूरे देश का है। सवाल ये है, यहाँ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जो मैं कहता हूँ उस पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जात पात की वो नहीं है, हमारे सब बराबर है। कोई भी जात पात के नाम पे राजनीति करे कांग्रेस को भी अप्रूव नहीं करती। आज सुबह सर आपने रेलवे रोड का दौरा किया था, वहाँ पे कुछ मकान तोड़ेंगे, वो क्या मैटर था? दौरा नहीं किया था, मेरे को खबर मिली थी, विधायक जी ने बताया था कि भी ऐसे ऐसे रात को कुछ शरारती तत्व आए और 3:30 बजे दो दुकानों को तोड़ गए और रास्ता था, जो महिलाएं थी एक घर में से रास्ता था जो 100 साल से चल रहा था और कोर्ट ने स्टे किया हुआ है और रात को दिया, क्योंकि कल कोर्ट में तारीख है, तो आज उन्होंने 3:30 बजे तोड़ने का काम किया। उस वास्ते में क्या और वहाँ ये बात सच मिली कि 3:30 बजे दुकानें तोड़ी, तो मैंने पुलिस को भी कहा भाई रिपोर्ट की क्या इंतजार है, 3:30 बजे दुकान बंद हो, कोई भी काम हो तो कानून अपना काम करेगा। ये 3:30 बजे दुकान तोड़ के सामान बाहर फेंकने का मतलब ये है डाका है, डाके पे केस रजिस्टर करो और उनको तुरंत गिरफ्तार करो। नहीं मैं नहीं कह सकता, इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, जब तक कोई बात साबित ना हो सामने ना आए मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे सामने तो ये घटना घटी, जो वहाँ बताया पूरा रेलवे रोड के थे, मैंने सबसे पूछा तसल्ली करी भाई ये रास्ता जो जा रहा है, जो सीढ़ियाँ बंद कर दी जिनकी, ये कितना पुराना रास्ता है। वहाँ कई आदमी बैठे थे, एक तो कहता है 65 साल हो गए, मैं तो 65 साल तो देख रहा हूँ। राइट ऑफ इजमेंट क्रिएट हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। पुलिस की लापरवाही दिखाई दी, कंप्लेंट कराई, कोर्ट में स्टे दे रखा है, फिर वो बाद में वो कैमरे में भी कैच हुए हुए रात को 3:30 बजे। 18 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज भी आई है, तब भी प्रयास किया गया। हाँ तो उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। प्रदेश में कई क्राइम, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ, जो हमारे 2005 से पहले था यहाँ प्रदेश में ऐसा माहौल, लेकिन बाद में माहौल ठीक हो गया था और प्रदेश ने प्रगति की। अब वर्ष माहौल हुआ हुआ है। रोहतक लोकसभा में बड़ी चुनौती मान रहे हैं। बड़ी छोटी क्या होती है, चुनाव चुनाव है, चुनौती चुनाव चुनाव है, चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। टिकुडा साहब आधी से ज्यादा चेहरों को बदल दिया है बीजेपी ने, आधे से ज्यादा बदल दिया है और कुछ इम्पोर्ट किए गए हैं, जैसे नवीन जिंदल या हिसार से कह लीजिए, कैसे देखते हैं? देखिए चेहरे को बदलने में तो खाली सांसदों का नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और जो बात थी मैंने कह दी थी वहाँ विधानसभा में कही थी, मैंने कहा भाई तुम मुख्यमंत्री बदलते रहो और हम सरकार बदलेंगे, बदले चेहरे बदलने से क्या। सर कांग्रेस का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, हमारे नेता हैं राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, वो और सारा ये इंडिया गठबंधन है, ये फैसला करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि 400 पार अब उसकी बात, ये हरियाणा में 75 पार कर रहे थे, कहाँ रह गए, कहने से नहीं होता, वो तो उनका प्रायोरिटी में कुछ भी गए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, सब बातें सामने आ रही हैं, वो जिस प्रकार से किया गया है, कोर्ट ने भी जो लेटेस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कि कोई भी गिरफ्तारी करने से पहले रीजन देने पड़ेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी एजेंसी हो उसका एक्शन जो है राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री को जेड सिक्योरिटी देने की बात चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या हालात खराब हैं या फिर कोई इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए कोशिश करें? तो आप स्वयं देखें किसको जेड सिक्योरिटी की जरूरत है किसको नहीं है। देखिए जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था, पूर्व मुख्यमंत्री तो मैं भी हूँ,
पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी हैं और मनोहर खट्टर जी हैं, कि उनको ही जेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ था उसको लेकर उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए ये सिक्योरिटी। चलो तो उनकी वो है काम जाने, मेरे को कोई इतराज नहीं, किसी की जेट की जेट प्लस दे दे और दे दे, मेरे को क्या इतराज है। टायर कर्मचारियों का प्रतिनिधि मिले हैं, लोगों से दूरी रखेंगे। रिटायर्ड कर्मचारी भी मिले हैं आपसे आज, रिटायर्ड कर्मचारी मिले हैं आपसे और उन्होंने पीछे 14-15 दिन धरना भी दिया था मंडल स्तर। मिले हैं हमने कर का ओल्ड, उनके डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, बाकी और उनकी कुछ था, एक हमारे समय फैसला हुआ था उसके बारे में भी अपनी चर्चा रखी है, मैनिफेस्टो तैयार करेंगे जब उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, हरियाणा के लिए अलग से मैनिफेस्टो होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए? हरियाणा का अलग से मैनिफेस्टो होगा क्या लोकसभा चुनाव के लिए? नेशनल नहीं नहीं, हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके लिए हम अलग से मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। जैसे हमने कह रखा है भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, 6000 रुपया पेंशन करेंगे, 100-100 गज के प्लॉट पर लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, ये हरियाणा के जनरेस्ट, और गैस सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट देगी ना सब्सिडी, सब्सिडाइज कर देगी जैसे राजस्थान में हमारी सरकार ने किया। तो ये तो हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो तैयार होगा हरियाणा के लिए। केंद्र में तो जो मैनिफेस्टो आया है कि 400 रुपए मनरेगा के कम से कम 400 रुपए मिलेंगे, 5 न्याय उन्होंने कहा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, भागीदारी के लिए, किसान के लिए, ये है श्रमिक के लिए, 5 को न्याय देने की बात। पूरे विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना, पूरे विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, परंतु अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने छापा भारत मरा हुआ लोकतंत्र, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं तो कह चुका हूँ, लोकतंत्र में कोई भी एजेंसी हो उसको राजनीति से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी लोग वो आप भी उसमें शामिल हो, मीडिया भी एक लोकतंत्र का मजबूत वो है, तुम भी ठीक ठीक दिखाया करो। सर, चुनाव प्रचार के लिए नहीं, नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ मीडिया बायस्ड है, लेकिन फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस। बुड्डा साहब, तो सीनियर लीडर से आप हो गए, कुमारी शैलजा हो गए, रणदीप सुरजेवाला, क्या ये भी लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं। मैं आज विपक्ष नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं, बाकी सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, और तो खुशी हो, सीनियर लीडर हैं। युवाओं को भी मौका मिलेगा सर, लैंड डील को लेके कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन दी और उसको खरीदा, इसके बाद डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी गई और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तकरीबन 170 करोड़ रुपए दिए गए, आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कोई, ऐसा नहीं हुआ, कौन किससे खरीदता है, कितने बेचता है, इससे हमारा क्या मतलब? भाई तू अपना कैमरा है, कैमरा इसको कितने का देता है? मेरा सवाल ये नहीं था सर, मेरा सवाल ये है कि डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी गई अब। भाई डीएलएफ को कोई केस तो था ही नहीं, कौन सा केस रजिस्टर हुआ है लैंड डील का? कौन सा केस चला है? केस तो बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था ना कि रॉबर्ट वाड्रा की, मुद्दे तो ऐसे बनाया जब बात आ गई, कोई ऐसा एफआईआर नहीं, एफआईआर चलो वो तो कोई दर्ज करा, लेकिन कोई ऐसा मुकदमा नहीं चला है, ना कोई ऐसा है जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो। प्राइवेट क्या ट्रांजैक्शन किससे होती है उसका हमारा कोई वास्ता नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कोई नेक्सस मानते हैं इसमें? इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कुछ नेक्सस मानते हैं? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये कह रहे हैं वो सब पार्टियों को दिए हैं, कोई वो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स किसी को फेवर देने के लिए दिए हो तो ये ऑब्जेक्शन है। और आज जो है मैं आभारी हूँ हाईकोर्ट का, जो डोलीदार
और बूटी मार ये हमने पास किया था उनको मालिकाना हक देने का सबको, जिसमें ब्राह्मण समाज भी है, जिसमें दलित समाज भी है, जिसमें बैकवर्ड भी है, जैसे अपने सैन भाई हैं उन्हें जैसे पहले दोरी देते जमीन उनको जमींदार हक देने का मालिकाना हक देने का जो हमने पास किया था 2010 में, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है और ये कहा है वो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म था जो कि इस सरकार ने 10 साल उसको लटकाने का काम किया और जो इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी वो सस्टेन नहीं हुई, जो जो हमारा कानून पास था वही लागू। क्या मानते हैं आप सरकार की नीयत में कहीं खोट था? जब तो 10 साल हो गए, 10 साल के बाद जो 10 साल पहले इम्प्लीमेंट हो रहा था वो उसमें अमेंडमेंट लाया गया और वो अब फेल हुआ, इसका मतलब आप देख रहे हैं। तो इस बात के लिए मैं हाईकोर्ट का आभारी हूँ, ये एक अच्छा फैसला आया है और ये उन लोगों के हित में है जिनका हक बनता था और इसी वास्ते हमने कानून बनाया। और फिर भी